हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एएलडी टू हेल्थ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लियरली कि कैसे आप मेरी सेल्फ ट्रिक को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे होगा क्या, आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और आपके लिए अगली वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। इस तरह की वीडियो शायद ही किसी ने बनाया हो, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आप बाद में कहते हो कि आपने सर सही से बताया नहीं, आप ये क्या करें, तो आप दोबारा क्वेश्चन सही से नहीं करिएगा फिर कि भैया जो चीज़ मैंने वीडियो बना दिया है उस चीज़ के बारे में तो मत पूछिएगा, उससे हट के थोड़ा पूछे कि भैया हमको इस तरह कैसे होगा, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ तो स्किप मत करिए, बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो एक बार इसको देखो तो। क्योंकि अगर आपको सही में पैसे कमाने का है मन है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना कोई मतलब नहीं है इस तरह की वीडियो देखने का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो है आप अर्निंग कर सकते हो एडमॉब से। तो बहुत लोग के मन में ये सवाल होगा कि भैया एडमॉब से अर्निंग से करते हैं तो डिसेबल हो जाता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा कुछ भी मिसयूज़ करते हो तो जाहिर सी बात है वो गूगल जो है डिसेबल करेगा। हाँ, मैं जानता हूँ गूगल हम सबका बाप है इंटरनेट के मामले में कि भैया कैसे आप कैसे धोखा दे सकते हो एडमॉब को, लेकिन इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर करूँगा कि आप उसके पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो मेरा जो अभी तक का एनालिसिस, मैं पहले आपको एक तो रिपोर्ट में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये अकाउंट मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस अकाउंट में मैंने सिर्फ एक फ़ोन से किया है क्लिक। तो किस हिसाब से क्लिक किया जाता है, कैसे क्लिक किया जाता है कि जिससे आपका बिना अकाउंट जो है सस्पेंड हुए और आप सेफ अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पे मैं पहले आपको 7 दिन की अर्निंग दिखा रहा हूँ, तो जिसमें मुझे यहाँ पे जो है $4 मिला है। तो पहले यहाँ पे ऐसे इसको काउंट करें, 7 दिन में आप देख सकते हैं यहाँ मेरा 24 मई से इसमें मेरा $4.52 है 7 दिन में। तो ठीक है, पहले यहाँ पे मैं इसको ऑल टाइम पे कर लेता हूँ। इसमें ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई है, तो इसमें मैं आपको जो पुराना वाला अकाउंट है उसको मैं नहीं दिखा सकता, थोड़ा प्राइवेसी की जैसे याला अकाउंट से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो अप्रैल 27 से लेके आज मई, मतलब ये मेरा अकाउंट लगभग 35 डेज पुराना है एस्टिमेट, लेकिन उस बीच देखिए मैंने क्लिक कितना किया है, मतलब इसमें मेरा सेल्फ क्लिक हुआ है। तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने सिंगल फोन से क्लिक किया, ये देखिए 2 क्लिक किया तो $1.33, 2 क्लिक किया 60। अगर आप यहाँ पे मेरा एक तो याला देखेंगे, इसको अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा अगर इसको गौर से देखेंगे ये 5 तारीख वाला, तो इसमें मेरी जो अर्निंग है उसमें आप काफ़ी अच्छे से गौर कर पा रहे होंगे कि इसमें मेरा एक क्लिक पे आप यहाँ पे देखेंगे मेरा एक क्लिक पे इसमें $1.27 है। हाँ, तो इस तरह के क्लिक मिलते रहते हैं मुझे, क्योंकि मेरा CPC वाला टेक्निक बहुत अच्छा है जिसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुतों ने आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 26 क्लिक किए और मेरे $10 है, इससे भी ऊपर जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगा मुझे भी सीखने में, क्योंकि CPC वाली टेक्निक नहीं आती थी कि अर्निंग कैसे इंक्रीज करें। तो बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जिनको मैंने देख के सीखा है कि कैसे आप अर्निंग खुद की बढ़ा सकते हो, तो लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो शायद ही कोई आपको बताएगा। तो इस वीडियो में आप भले ही डॉलर कम देख रहे हो, लेकिन ये अकाउंट मेरा 35 डेज पुराना है, लेकिन इसमें कोई भी सस्पेंड ना कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एकदम क्लियरली, देखिए मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ बताऊँ कि कैसे आपको क्लिक करना है, क्या करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले आप थंब केबल पे आ जाइएगा। थंब केबल पे आप जब कोई भी ऐप बनाइए तो उसका नाम हमेशा जेन्युइन रखिए कि कम से कम किसी को गलत ना लगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने टॉम, आप देख सकते हैं टॉम राइडर, यहाँ मैंने लिख के इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद इसको मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। हाँ, मुझे पता है, जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों को ऐप बनाना आता ही होगा, लेकिन इस ऐप में बनाने के साथ साथ आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे कुछ भी आप जब इसको डिज़ाइन कर लीजिए, तो डिज़ाइन आपको ऐप बनाना आता होगा, ऐप नहीं बनाना आता तो बहुत लोग ऐप बनाते हैं, बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप हैं यूट्यूब पे जो आपके लिए ऐप बना देंगे काफ़ी बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे जब आपको बैनर ऐड लगाना है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए इसका एक तो वार्निंग करके आ जाता है, In order to AdMob component user must comply with
गूगल प्ले एंड एड मॉब पॉलिसी। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी ऐड को जेन्युइन तरीके से यूज़ करेंगे, तो देखिए जाहिर सी बात है अगर इसकी पॉलिसी की बात करें तो आप कभी भी अगर ऐप बनाते हो तो उसमें दो बैनर ऐड से ज़्यादा मत रखिए। क्या होता है ना कि अब गूगल भी जो है समझ जाता है, तो ये भी है कि भाई ज़्यादा दिन तक ये वीडियो को मैं नहीं रखूँगा, तो हो सके तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा लोगों को, ताकि बहुत से लोगों की मदद हो सके जिनको पैसे की ज़रूरत है और इंस्टेंट अर्निंग चाहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने दो ऐड लगा दिए, तो होता क्या है लोग यहाँ पे चार पाँच छः ऐड लगाते हैं काहे के लिए, इंप्रेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप सिर्फ दो ऐड से एक मिनट के अंदर सिर्फ 100 इंप्रेशन के ऊपर कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, वो आपको पता होगा कि आपको टाइमर का इस्तेमाल करना है। तो टाइमर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पे आइएगा सेंसर में, सेंसर के बाद यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लॉक लगा देना है। क्लॉक लगाने के बाद यहाँ पे आप टाइमिंग देख रहे हो, टाइमिंग में इसमें आपको लिखना है यहाँ पे 700, मतलब कि 7 सेकंड पे ये ऑटो रिफ्रेश करेगा ऐड को, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड लगा दिया, फिर आपको ब्लॉक लेना है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इंप्रेशन और टंकेबल को कैसे यूज़ करना है सही तरीके, ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो आपको ये दोनों जो है बैनर ऐड हो गया, ठीक है, ये दोनों को लगाने के बाद आपको क्लॉक लगा देना है, ठीक है। क्लॉक लगाने से क्या होगा कि जब यहाँ पे क्लॉक जो है आप क्लॉक लगा देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों बैनर ऐड को आपको रख देना है। जैसे यहाँ पे ये है, ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, एक और इसको डुप्लीकेट बना, क्योंकि मेरा दो टो बैनर आईडी आपको रखना है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे टू कर दिया, ठीक है। अब ये दो हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, ये मेन जब आप यहाँ पे लगाते हो तो वो सब जाहिर की बात है आपको कैसे ऐड लगाना है कि जब स्क्रीन खोलते हैं। तो ये सिर्फ मैंने क्लॉक का बताया कि ऑटो रिफ्रेश वाला कैसे होता है। यहाँ पे आपको क्लॉक लगा के यहाँ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लॉक वाला आपको आता ही होगा, बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको करना क्या है, आप इसको जो है कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा, आप क्रिएट कर लिए। बहुत लोग हैं ऐप बनाना जानते हैं, आप उनसे ऐप बनवा लीजिए, 200 300 400 में अच्छा अच्छा ऐप बना देंगे, हाई क्वालिटी का ऐप बना देंगे। बहुत लोग को आता है ऐप बनाना, आप किसी से भी ऐप बना लीजिए जिस पे आपको भरोसा हो, या जिससे भी बनवाना बनवा लीजिए ऐप, बहुत लोग जानते हैं। तो जब आपका ऐप बन जाएगा तो आपको बेसिकली करना क्या है, फिर आपको यहाँ पे आना है ऐप बनाने के बाद। उसमें ऐड यूनिट आईडी को अभी प्लेस मत करिएगा, प्लेस करने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे मेडिएशन पे आ जाना है आप। जब चलिए मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जब आप ऐड क्रिएट करिएगा, अगर आप प्ले स्टोर पे एप्पल पे, तो यहाँ पे जो नाम रखिएगा आप, उसको क्या रखना है वो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसमें कभी भी ये मत डालिएगा कि जैसे सेल्फ अर्निंग ये सब डाल देंगे ना तो गूगल चेक करता है, तो उसको आप डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया ये जो है सेल्फ अर्निंग वाले। तो इसमें भी आप कोई गेम वाला यूज़ कर लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं टॉम राइडर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप टॉम राइडर लिख के ISO एंड्रॉइड लगा लीजिएगा, फिर इसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्रिएट आईडी करना है। अब क्रिएट आईडी में थोड़ा गेम खेलना है, अब गेम देखिए हर चीज़ में सिर्फ एक तरीके से करने से अर्निंग नहीं होती, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नाम डाल देना है जिससे आपको याद रहे कि आपने क्या लगाया था। फिर यहाँ पे एडवांस पे आना है, एडवांस पे आपको आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे तो आप क्रिएट कर लो, तो देखिए इस तरीके से बैनर आईडी को आप क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कैसे बैनर आईडी और इंस्टाग्राम को क्रिएट करना है, कैसे लगाना है। तो जब इंस्टाग्राम की बात है कि जहाँ पे कोई अच्छा सा नाम डाल दीजिएगा, यहाँ तो अभी मैं फर्जी डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिक करना है जिससे आपकी हाई CPC भी रहे। तो इस वीडियो में मैं एकदम अंत तक एकदम बढ़िया एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको काटिएगा नहीं। तो यहाँ पे आप हमेशा लगा दे 0.70 लगाइएगा, ज़्यादा मत लगाइएगा, 0.70 हमें लगता है जहाँ तक अभी हमें पता है वो सेफ है, बाकी अगर आपको और लगता है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये मेरी है, यहाँ पे अफ्रीका को रहने दीजिएगा, अमेरिका लगा दीजिएगा, हाँ अमेरिका लगाने में एशिया में आपको क्या लगाना है, एशिया में अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसको डाउन करके एशिया में आपको यहाँ पे सुनना है, एक मिनट। तो यहाँ पे आपको इज़राइल लगा लेना, ठीक है, इज़राइल लगा लेंगे, मलेशिया लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से हाई CPC वाली जो जो कंट्री है, आप यूरोप लगा दीजिएगा और ओशन, इसको लगाने के बाद आप इसको एक तो आप क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए 0.70 का लग गया है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंट्री सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बस डन कर देना है, अब ये आपका ये क्रिएट हो गया। आपको दो बैनर आईडी नॉर्मली क्लिक करना है, और इसमें आपको किस तरह से क्रिएट करना है इंडस्ट्रियल ऐड में, तो ये आपको पता चल गया। अब ये आपका जब क्रिएट हो जाएगा,
तो अब मेन आपको करना क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पे तो प्लेस करना है, वो मैंने आपको बता दिया, आप ऐप का ऐप क्रिएट हो गया, वो क्रिएट हो गया। अब आपको कैसे क्या यूज़ करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ फोन पे, तो ठीक है आप देखते रहिए।